हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? तो बहुत बहुत स्वागत है जी नई वीडियो में। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप खिली हुई है और वेदर जो है वो आर्मेनिया का चेंज हो गया है। पहले काफ़ी स्नोफॉल हो रही थी, सर्दी थी, लेकिन अब जो है वो वेदर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। आप देख सकते हैं धूप खिल रही है और इतनी ठंड अब नहीं रही। ठंड है लेकिन इतनी रही, सुबह और शाम की ठंड बची है, बाकी फुर हो गई है भैया। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है जी आर्मेनिया में लिविंग कॉस्ट को लेके। बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे को कि आर्मेनिया में रहने का क्या खर्चा है, कैसे अपार्टमेंट हैं, क्या बेड स्पेस ही मिलेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, कैसा कैसा है। तो आज इसके बारे में खुल के बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले जब हम किसी भी कंट्री में मूव होते हैं तो सबसे पहले यही सवाल रहता है कि भैया वहाँ रहने का खाने का क्या खर्चा होगा, कहीं वो हमारे बजट से बाहर तो नहीं हो जाएगा, जहाँ किसी तरह का ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं है, खाने की चीज़ें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं, या रहने का कितना खर्चा है, कहीं फ्लैट ज़्यादा महंगा तो नहीं है, हॉस्टल ज़्यादा महंगा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, जो कमाएंगे वो सारा उसी में ही चला जाएगा। तो अभी इसी के बारे में जानकारी दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते थे, कमेंट आते थे, मैसेज आते थे कि रहने और खाने का क्या सिस्टम है, वहाँ पर कितना खर्चा है, क्या एक्सपेंस आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड के बारे में कि फ़ूड जो है वो कितना महंगा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कितना पे करना होगा एक महीने के लिए फ़ूड के लिए। तो जी ऐसा है कि अगर तो आप लड़कों के साथ मिलके रहते हैं, जैसे चार पांच लड़कों का ग्रुप होता है, मिलके रहते हैं, मिलके खाना बनाते हैं, तो उसमें जो है वो लगभग एक बंदे का जो है इंडिया के हिसाब से जो है 3,000 पकड़ के चलिए कि 3,000 एक बंदे का खर्चा आ जाएगा। अगर आप मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ कम भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये एक बंदे का खर्चा वो आ जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फूड की। जैसे हम इंडिया में खाना खाते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, है ना, घी वगैरह जो भी है, ऐसा राशन जो हम इंडिया में मिलके लेके आते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे मिलता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इंडिया से एक्सपेंसिव हैं खाने की, कुछ चीज़ें जो हैं वो इंडिया से सस्ती भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पे कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो इंपोर्ट होती हैं, जैसे जॉर्जिया से, यूरोप से, रशिया से, तो इसलिए उनका एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो आप 3,000 पकड़ के चलिए कि 3,000 रुपये आपका खर्चा खाने का आ जाएगा नॉर्मली एक महीने का एक बंदे का। तो जी अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट में ऐसा है कि अगर तो जी आप एक कपल हैं, है ना, तो यहाँ पे रहते हैं या आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो अगर तो आप एक प्राइवेट फ्लैट चाहते हैं तो उसमें तो बहुत सारे पैसे जाते हैं, जाने के मान लीजिए कि कम से कम इंडिया के 25 से 30,000 रुपये सिर्फ 1 BHK के लिए, सिर्फ एक रूम मिलेगा, बाथरूम मिलेगा और साथ में आपको किचन मिलेगी छोटी सी, तो उसमें कम से कम जो है वो 25 से 30,000 रुपये आपके चले जाएंगे। तो ऐसे में ये महंगा पड़ जाता है काफ़ी। तो इससे अच्छा ये है कि 2 BHK लीजिए। अगर आप दो कपल हैं, जैसे कि अभी एक दो कपल थे यहाँ पे, तो उनको मैंने 2 BHK जो है उनको अरेंज करके दिया, तो वो लगभग उनको जो मिला है वो इंडिया के हिसाब से मान लीजिए कि लगभग 40,000 के आसपास मिला, तो वो आधा आधा हो गया, जाने के दो कपल और 20-20,000 रुपये दोनों को बट गए हैं। तो ये बढ़िया रहेगा अगर आप दो कपल हैं। अगर आप किसी के साथ मिलके रहते हैं, जैसे कपल दो कपल हो गए, तो वो प्राइवेसी भी बनी रहती है और कपल जो आपस में एडजस्ट भी कर लेते हैं, और जो जो रूम रेंट है, जो आपके अपार्टमेंट का रेंट है, वो आधा आधा बट जाता है, और उसमें आपको भी आसानी होगी रहने में और उनको भी होगी, और जो किराया है वो आसानी से निकल जाएगा। तो जी अब बात करते हैं सिंगल लोगों की, जैसे कि मेरे जैसे या आपके जैसे जो अकेले आना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए ऑप्शन यही है कि भैया जा तो हॉस्टल में रहिए, है ना। तो हॉस्टल में रहने की दो चीज़ें हैं, एक तो आपको बेड स्पेस मिल जाएगा और जो रूम रेंट है वो लगभग इंडिया के 40,000 दिरहम, जाने के $100 के आसपास होता है, है ना। तो हॉस्टल भी ऐसे हैं कि आपको कोई अच्छा हॉस्टल देखना होगा, क्योंकि हर हॉस्टल में आप नहीं रुक सकते, क्योंकि
हॉस्टल में दो तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हॉस्टल में लॉकर्स नहीं होते हैं, तो हॉस्टल में हर तरह का बंदा मिलेगा आपको, है ना, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अगर आपका सामान निकल जाए, चोरी हो जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए अब हॉस्टल में रुकेंगे तो कोई अच्छा हॉस्टल देखिए जिसमें सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम हो और आपको जो है वो दिक्कत ना हो। और दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जी अपार्टमेंट। ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडियन लड़के जो हैं वो यहाँ पे आके एक अपार्टमेंट ऑन कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। तो जो होता है कि 5-6-7 लड़के वो उसी अपार्टमेंट रहते हैं, तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि एक तो प्राइवेसी बनी रहती है, जो भी लड़के अपार्टमेंट में रहते हैं वो एक दूसरे के वेल नोन होते हैं, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता है। तो रूम रेंट भी जो लगभग सेम ही आता है, जैसे 40,000 के आसपास ही आ जाएगा, जैसे कि आप हॉस्टल में पे कर रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि वो एक साथ रहेंगे, परिवार की तरह रहेंगे, वेल नोन होते हैं, किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा आपको। और उसमें लिविंग कॉस्ट भी कम हो जाता है, खाने का भी अरेंज हो जाता है, जब 5-7 लड़के मिलके खाना लेके आएंगे, है ना, तो राशन लेके आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि कोई अपार्टमेंट देखे जिसमें लड़के रह रहे हैं, तो उनके साथ आप एडजस्ट हो जाए, जिसमें कि आपका पैसा भी बचेगा और सिक्योरिटी का भी इशू नहीं रहेगा आपको। तो मैं आपको यहाँ पे ना कुछ वीडियोज़ और फोटोज सैंपल डाल दूंगा कि हॉस्टल जो है वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, बेड स्पेस कैसा होता है, और अपार्टमेंट्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो डाल देता हूँ, अच्छी तरह से आप पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। तो रेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 40,000 के आसपास पर्सन होगा अगर आप रहते हैं अपार्टमेंट में लड़कों के साथ, है ना, तो अगर हॉस्टल में रहते हैं तो भी लगभग सेम ही होगा। तो जी बस ये छोटी सी वीडियो थी आर्मेनिया के लिविंग कॉस्ट को लेकर और खाने को लेकर। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।